Hello everybody, welcome to our channel anujindal.in. My name is Chetan, your mentor for SEBI grade examination. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are doing great और सभी की preparation बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी. Okay? So आज इस session में, आज इस video में मैं बात करने वाला हूँ about the expected date of SEBI grade exam 2023. SEBI grade 2023 कब हो सकता है? What are the tentative or expected dates? Although इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, but nevertheless it was important to make a specific video for this only because still a lot of people are unaware कि एग्जाम कब हो सकता है और इसीलिए बहुत से लोग अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, सो आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स कि स्टार्ट अर्ली, बी एन अर्ली बर्ड, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमको लेना चाहिए. ओके, इफ यू वॉन्ट टू क्लियर सच अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज सेबी ग्रेड ए, और जो दैट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम एज वी ऑल नो, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी एंड नॉट एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. तो एलिजिबिलिटी के लिए एक सेपरेट सेशन, एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, ऑल्दो आई हैव मेड वन इन द पास्ट ऑल्सो. सो वॉट आर द टेंटेटिव डेट्स, वॉट आर द एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर सेबी ग्रेड एग्जाम? सो एज आई टोल्ड यू, जनवरी लास्ट वीक वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सेबी का फेज वन होगा, एज यू नो इन सेबी ग्रेड एग्जाम देर इज फेज वन, देर इज फेज टू एंड देन देर इज इंटरव्यू, और फेज वन और फेज टू के बीच में यू गेट वन मंथ टाइम. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 में आपका फेज वन एग्जाम हो सकता है. फेज वन हैज टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू, दोनों पेपर सेम डे ही होते हैं, आई होप यू आर अवेयर. So, अगर लास्ट वीक ऑफ जनवरी की बात करें, सो एग्जाम जो होता है जनरली वीकेंड पे होता है, सैटरडे और संडे. ओके, सो इफ वी लुक एट द वीकेंड ऑफ जनवरी 2023, द लास्ट वीकेंड इट इज 28th ऑफ जनवरी एंड 29th ऑफ जनवरी. सो 28th और 29th जनवरी को आप अपना फेज वन एक्सपेक्ट कर सकते हो. सी दीज आर टेंटेटिव डेट्स, लास्ट वीक का हमको पता चला है, बट वी आर अज्यूमिंग कि इफ एग्जाम हैपन्स ऑन वीकेंड, जो जनरली होता भी है, सो इट कुड बी ऑन 28th और 29th ऑफ जनवरी एंड वन मंथ टाइम यू गेट फॉर पेपर फॉर फेज टू. सो फेज टू की बात करेंगे तो अकॉर्डिंगली इट विल बी लास्ट वीक ऑफ फेब. तो आपका फेज टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी, फेब्रवरी 2023. तो लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी 2023 में अगर हम वीकेंड की बात करें, सो इट इज 25th एंड 26th ऑफ फेब्रवरी. इट इज 25th इज सैटरडे एंड 26th ऑफ फेब्रवरी 2023 इज संडे. ओके, सो दीज कुड बी द एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ फेज वन एंड फेज टू. आफ्टर फेज टू ऑब्वियसली दोज हु लाइक आफ्टर फेज टू यू हैव द इंटरव्यू स्टेज. ओके, सो दीज आर द एक्सपेक्टेड डेट्स. सो सी, दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट. इससे पहले एग्जाम का होना बहुत ही लेस प्रोबेबल है, इसके बाद जरूर हो सकता है, बट दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड जिसके अराउंड एग्जाम हो सकता है. तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म में प्रूडेंस अप्लाई करें कि हम अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें, फिर चाहे एग्जाम कभी भी हो. ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली अगर अभी भी देखोगे, यू स्टिल हैव 3 months इन योर हैंड, 3 महीने अभी भी कहीं नहीं गए, 3 महीने अभी भी आपके पास हैं तैयारी करने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए. सो आई वुड से कि जो भी लोग तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक. ये आपको काफी कॉस्ट कर सकती है इन द लॉन्ग रन. सो प्लीज आई वुड से कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो. ओके, डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, डू नॉट वेट फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, अभी से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू अबाउट द लाइव कोर्स ऑल्सो. जो हमारा लाइव कोर्स है सेबी ग्रेड ए का, दिस प्राइस इज नाउ लेसर, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, प्राइस को यू कैन इग्नोर. रिगार्डिंग द प्राइस एंड ऑल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. ओके, क्या करंट प्राइस चल रहा है, क्या करंट डिस्काउंट चल रहा है. सो दिस इज सेबी ग्रेडेड 2023 कंप्लीट लाइफ कोर्स. सो वी आर ऑफरिंग अ कंप्लीट लाइफ कोर्स कंप्राइजिंग ऑफ फेज वन फेज टू इंटरव्यू. ओके, इंटायर कोर्स. और एक कोर्स है जिसमें आपका पेपर टू रहेगा, सिर्फ पेपर टू ऑफ फेज वन एंड पेपर टू ऑफ फेज टू. ठीक है, दैट इज अ सेपरेट. सो अकॉर्डिंगली you can choose if you want to study through a course. Okay, now so just I wanted to show you ki what all are we offering in the course. Dekho, ek jo course hai uske andar further bahut sare hamare sub courses hote hain. So this course we say it a bundle. Course ko hum jo hota hai, jo ek complete hota hai, usko hum bundle bolte hain.
and these are the within the bundle there are these different courses. So like this is one of the course introduction ki hame padhna kaise hai. Okay, this is called introduction of the course. Then to isme introduction mein further there would be certain lessons. Okay, introduction mein aap dekh sakte hain there are further lessons within the introduction. Aise har ek course ke andar you will find certain lessons, certain videos, PDFs. Okay, so introduction of the course. Then you have past year paper analysis, very very important for SEBI 2020 ka exam, 2018 is not important because syllabus sab different tha. So aapke liye 2020 aur 2022 hi relevant hai. Okay, then e-books are there. Okay, we give you e-books for quant reasoning English for paper 2. Then phase 1 current affairs are being provided through PDFs and videos. Then current affairs quizzes are also there for your practice purpose. Static GK, because one question here and there could be asked from static GK also. Then quant reasoning and English QRE section of phase 1 paper 1. So all the video lessons, PDFs, okay, practice questions. Then yes, practice test of QRE. So you can also practice if quant is your weaker section or reasoning is your weaker section. So QRE combined sectional tests are also being provided for those who may be weaker in this area. Then SEBI phase 1, phase 2, paper 2 live classes. So in this course, there are four subjects which I am taking up. That is Commerce and Accountancy, Costing, Companies Act and Economics. Okay. Then management live course is separate. So there are six subjects, four subjects covered in this paper 2 live classes. Then one is management and one is finance also. Then phase 2 finance current. Finance current is very very important for, you know, for current affairs purpose also. And in paper 2 also, aapka jo finance section hai, wahan pe bhi finance current se question aa sakte hain. Very very important area. Then finance current affair quiz for practice. Then finance live course, as I told you. Then annual surveys, various surveys, reports, whatever come up from time to time. Indices, committees, GDP forecast and English descriptive live. This is one area which you cannot ignore. English descriptive. This is phase 2 paper 2. Bahut important hai. Aur kafi candidates isko lightly lete hain and they lose out marks. Because phase 2 ke jo marks hote hain, phase 2 mein chahe paper 1 ho chahe paper 2 ho, dono ke marks aapke count honge. So do not neglect at all. Kyunki isme hum aapko pehle batayenge ki aapko English descriptive ke questions karne kaise hote hain. Okay, how to approach such questions. And then there are some practice questions also. Then interview personality development program. In case you reach to the interview stage, agar aap interview stage tak pahunchte ho, to fir isme there are certain video lessons ki kaise hum interview ke liye prepare kare. Okay, mock interviews bhi hum conduct karate hain. I think kafi sare logo ko pata hoga. Mock interviews are also being conducted by us. So we, you know, prepare the candidate from the beginning till the end. Puri preparation hamare course ke saath aapki ho jati hai. Okay, so this is what I wanted to just intimate you. For those of you who might not be aware about the course, किस तरीके से course है हमारा, और काफी well structured है if I tell you, because जो भी हमारे paper 2 के subjects हैं, उनकी बात करूँ अगर मैं, because I am concerned with paper 2 subjects only, quant reasoning भी I also take, okay, so paper 2 subjects की बात करें, तो उसमें काफी अच्छे से structured है वो, the syllabus has been designed, मतलब the syllabus which we have designed is very very structured in the sense ki padhne mein bahut easy ho jayega aap logo ko, wo index mein provide kara rakha hai. Chaliye, this is all I wanted to discuss in today's class, today's session. So yahi tha ki abhi still it is not late, abhi bhi hum apni preparation start kar sakte hain because we still have time. Chaliye, on that note I will close the session here. Kisi ko koi bhi doubt ho, kuch bhi query ho, okay, you can please ask in the comment section below. I would be more than happy to answer all your queries and doubts. You can also post your queries on Telegram, okay? Or yes, this is it. Chaliye guys, all the very best. Goodbye, take care and have a nice day.